यीशु शून्य से सब बनाने वाला परमेश्वर है, जो आशीषों का एक बूंद नहीं दिख रहा वहां वो आशीषों की बारिश करने वाला खुदा है। हालेलुया। जो आशीष आपकी नजर के सामने दिख नहीं रहे, शून्य जैसी सिचुएशन है, वो शून्य से भी सुंदर बनाने वाला खुदा है। ये सृष्टि भी प्यारो अंधकार से भरी हुई थी, शून्य थी, लेकिन वहां पर प्रभु का आत्मा मंडराने लगा और सृष्टि को सुंदर बनाया गया। वही खुदा आपके साथ है। हालेलुया। भजन संहिता 126 में प्रभु के लोग कहते हैं, जब यहोवा सियोन से लौटाने वाले को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। कैसे हो गए? स्वप्न देखने वाले से। उनको लगा कि आज जो हम देख रहे हैं वो ड्रीम है, ये कहीं पर अस्तित्व रखता ही नहीं था, इसकी कोई शक्यता नहीं थी, पॉसिबिलिटी नहीं थी, ये हो ही नहीं सकता था, ड्रीम पूरा हो गया। हालेलुया। आप जो सिर्फ ड्रीम में देख रहे हो, वास्तविकता में शून्य है। यीशु वो ख्वाबों को भी जो उसकी इच्छा में वो पूरा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आपने अपने बिजनेस के लिए ड्रीम रखा होगा, आपने अपने बच्चों के लिए ड्रीम रखा होगा, आपने अपनी हेल्थ को लेकर ड्रीम रखा होगा कि ये बीमारी से मैं आजाद होऊंगा, ये ट्यूमर दूर हो जाएगी एक दिन, ये मेरा शुगर नॉर्मल हो जाएगा, ये मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। आज हो सकता है वो जीरो लगता हो। आशा को नहीं छोड़ना है कि वो शून्य से सृष्टि बनाने वाला, सुंदर बनाने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाए और अपने विश्वास को जाहिर करें। अभी क्या करना है आपको? आपको जो सिचुएशन जीरो जैसी लगती है उसमें विश्वास घोषित करें, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो आपकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे आपका फैमिली का कोई प्रश्न हो, जहाँ पर आपको लगता है यहाँ कोई संभावना नहीं है, वहाँ आपको डिक्लेयर करना है, आज मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ भले कुछ नहीं दिख रहा, शून्य जैसी सिचुएशन है, लेकिन मेरा यीशु ये शून्य से अद्भुत सर्जन करने जा रहा है, ये शून्य को मैं सुंदरता में बदलते हुए देखूंगा। जहाँ आज मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आज मुझे सिर्फ ख्वाब में मैं देखता हूँ कि काश ऐसा हो जाए, वो मेरे ख्वाबों को पूरा करेगा, वो मेरे स्वप्नों को अधूरा नहीं रहने देगा, वो मेरी आशाओं को टूटने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया।